8 साल की छोटी उम्र गुड़ियों से खेलने की होती है, लेकिन धनिया इस उम्र में ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगा करती थी। उसकी माँ, जो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाती थी, उनकी अचानक मौत होने के बाद उसके शराबी बाप वीरपाल ने उस नन्ही बच्ची को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। भगवान के नाम पर कुछ पैसे दे दो भैया, इस गरीब पर तरस खाओ भैया। ए भिखारन, चल भाग यहाँ से। धनिया की किस्मत में किसी के एक दो रुपए होते तो किसी की गाली और दुत्कार। जिस दिन वो कम पैसे लाती, उसका बाप उसकी बेल्ट से पिटाई करता। वो बेचारी हर दर्द सहती, लेकिन अपने पिता से कभी कोई शिकायत नहीं करती थी। एक दिन धनिया को बहुत भूख लगी थी, तो उसने 5 रुपए के चने खरीदे, कुछ खुद खाए और कुछ अपने पिता के लिए रख लिए। शाम को वो जब घर पहुंची तो, बाबा ये देखो, मैं आज आपके लिए चने लाई हूँ। चने? मुफ्त खोर, कितने पैसे खर्च कर दिए इसके लिए तूने? बाबा सिर्फ 5 रुपए। रुपए पेड़ पर उगते हैं क्या? किसने कहा तुझे ये लाने को? पापा वो, तू आजकल कुछ ज्यादा ही हद से बाहर हो गई है, रुक तुझे बताता हूँ। शराब के नशे में वीरपाल ने अपनी मासूम बेटी को इतना मारा कि वो बेचारी बेहोश हो गई। उसका पूरा शरीर लाल पड़ गया था और उसे बुखार भी आ गया, जिसके कारण वो अगले दिन सुबह जब देर तक सोती रही तो वीरपाल गुस्से में उसके पास गया। बड़ी बेशरम है तू, तेरा बाप यहाँ जाग गया और तू खाट तोड़ रही है। बाबा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, देखो ना, लाल लाल निशान भी पड़ गए हैं। देखो मेरे सामने तो ये सब नौटंकी मत किया करो, नहीं तो इसका इलाज मुझे अच्छे से आता है, बोलो तो कर दूं इलाज फिर से। पिटाई के डर से बेचारी धनिया उस बुरी हालत में भी भीख मांगने निकल गई, लेकिन उसके पैर नहीं उठ रहे थे। थोड़ी ही देर में उसे चक्कर आ गया और वो रास्ते में बेहोश होकर गिर गई। उस रास्ते से न जाने कितने लोग गुजरे, लेकिन ज्यादातर लोग उसे अनदेखा कर निकल गए। हालांकि कुछ लोगों ने उसे कुछ पैसे भी दिए, उन पैसों से वो बाप के लिए शराब खरीद कर ले गई। समय यूं ही बीतता रहा। धनिया कभी आधे पेट तो कभी खाली पेट रहकर अपने पिता की शराब की जरूरत पूरी करती रही। समय तेजी से बीत रहा था। धनिया की उम्र अब 17 साल की हो गई थी। अब वो अपनी माँ की तरह ही लोगों के घर जाकर झाड़ू पोछा किया करती। एक दिन जब वो दूसरे के यहाँ काम करने जा रही थी, तो वीरपाल का मुंबई में रहने वाला दोस्त कुंवरपाल अपनी लंबी सी कार से उसके घर आया। वो धनिया को अजीब नजरों से घूर रहा था। और भाई कुंवरपाल, मुंबई जाकर तो तू सेठ हो गया, ये कपड़े, ये स्टाइल, ये तेरी गाड़ी, अरे लॉटरी लग गई क्या भाई तेरी? अरे कोई लॉटरी नहीं, मेहनत की कमाई है भाई। कुंवरपाल तेरे साथ पिए हुए बहुत दिन हो गए भाई, चल मंडली जमाते हैं। ओए मैं तेरे जैसी देसी नहीं पीता, इंग्लिश पीता हूँ, इंग्लिश है। चल तू मेरे साथ चल, आज मैं तेरे को पिलाऊंगा और मस्त खाना भी खिलाऊंगा, चल। भाई ये इंग्लिश दारू तो मस्त है, तू चाहे तो ऐसी इंग्लिश दारू तू भी पी सकता है। अरे तुझे चढ़ गई है क्या, मैं कहां से पीऊंगा ऐसी महंगी शराब। देख भाई तू मेरा बचपन का यार है, मैं तेरे भले की ही बात बोलूंगा, तू अपनी धनिया की शादी कर दे। तेरा दिमाग खराब है क्या, उसकी शादी कर दूंगा तो मेरा घर कौन चलाएगा, मेरी दारू का खर्चा कौन उठाएगा? अरे पहले सुन तो, मेरे साथ मुंबई से मेरा एक पार्टनर मनीष भी आया है, वो बहुत अमीर है, उसने तेरी बेटी धनिया को देखा भी है, वो उसे बहुत पसंद है, मैं उससे तेरी बेटी की शादी करवा देता हूँ, वो तुझे बदले में 5 लाख रुपए देगा। 5 लाख शादी के लिए? देख उसे गांव की लड़की से ही शादी करनी है, इसलिए वो पैसे दे रहा है, तुझे मंजूर है तो बोल, नहीं तो और भी रिश्ते हैं। धनिया की शादी मनीष से हो गई। मनीष ने 5 लाख रुपए वीरपाल को दे दिए। 2 दिन बाद मनीष धनिया को ट्रेन से मुंबई लेकर चला गया। 17 साल की धनिया आंखों में नए सपने लिए मुंबई पहुंची।
मनीष उसे बहुत प्यार करता था। वो पुरानी सारी तकलीफ भूल गई, लेकिन एक सप्ताह के बाद ही। धनिया, मुझे जरूरी काम से 3 दिनों के लिए बाहर जाना है। मैंने तेरे लिए सब इंतजाम कर दिया है, तुझे किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। आपके बिना इतने दिन कैसे कटेंगे? अनजान शहर है ये, गांव होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। अनजान क्यों? अब तेरा घर तो यही है ना, और 3 दिन की ही तो बात है, फिर तो मैं हूँ ही तेरी सेवा में हाजिर। मनीष धनिया को छोड़कर चला गया, लेकिन उस दिन दोपहर के समय जब धनिया सो रही थी तो एक अनजान आदमी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला, वो आदमी जबरदस्ती उसके घर में घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। अरे भैया, कौन है आप? इस तरह एक अकेली लड़की के घर में क्यों घुसे चले आ रहे हैं? मैं अभी अपने पति को फोन करती हूँ। बड़ी आई पति को फोन करने वाली? तेरे पति ने ही यहाँ घुसने के लिए पूरे 20,000 लिए हैं। चल अब नाटक बंद कर और मुझे खुश कर। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये समझ ले कि जिसे तू अपना पति समझ रही है वो तेरा दलाल है, समझी? और तू ये नाटक बंद करे। धनिया ने उस आदमी के मुंह से जो सुना उसे सुनकर वो बहुत डर गई। उसने उस आदमी से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उस मजबूत कदकाठी के आदमी से कितना लड़ पाती। उस आदमी ने उसके साथ जो चाहा वो किया, फिर वो चला गया। 3 दिन तक कोई न कोई नया आदमी धनिया के पास आता रहा और उस बेचारी के साथ जबरदस्ती करता रहा। 3 दिन बाद मनीष आया। धनिया उसे देखते ही रोने लगी। मैंने आपको क्या समझा और आप क्या निकले? पति होकर आपने मेरा सौदा कर दिया। अरे ये सब तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा सौदा कर दिया? किसने कहा तुझे ये? कहीं मेरे पीछे तो यहाँ कोई नहीं आया? तब धनिया ने मनीष को उसके जाने के बाद की सारी कहानी बताई। तब मनीष ने रोते हुए कहा, तेरे सर की कसम धनिया, मैं निर्दोष हूँ। मुझे यहाँ से ले चलिए मनीष, यहाँ मेरा दम घुटता है। हाँ धनिया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम आज ही ये जगह छोड़कर कहीं चले जाएंगे। उसके बाद मनीष ने वो जगह तत्काल छोड़ दी और धनिया को लेकर वहाँ से निकल गया। फिर वो उसे लेकर एक नई जगह पर गया, लेकिन पता नहीं क्यों धनिया को उस इलाके में अजीब सी घबराहट होने लगी थी। ये आप कहाँ ले आए? ये जगह मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, क्या आप हम यहाँ रहेंगे? धनिया, यहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, अभी कुछ दिन हमें यहीं रहना होगा। तुम थोड़ी देर यहाँ रुको, मैं उसे बाहर लेकर आता हूँ। उसके बाद मनीष एक बड़े से घर के अंदर गया। उसने धनिया को बाहर ही इंतजार करने के लिए कहा। असल में मनीष धनिया को कोठे पर बेचने लाया था। उसने 10 लाख में उसका सौदा कर दिया और पिछले रास्ते से वहाँ से निकल गया। धनिया बहुत देर तक उसका बाहर इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। कुछ देर बाद कुछ बदमाश से दिखने वाले लोग बाहर आए और धनिया को पकड़कर अंदर ले जाने लगे। अरे अरे, मुझे आप लोग कहाँ ले जा रहे हैं? देखिए, ये घर मेरे पति के दोस्त का है। मैं आप लोगों की शिकायत करूंगी उनसे। छोड़ो मुझे, मनीष मुझे बचाओ। वो गुंडे उसे पकड़कर अंदर ले गए। अंदर एक अजीब सी दुनिया थी। कई सारी लड़कियां अजीब स्थिति में इधर उधर घूम रही थी। तभी एक औरत जिसका नाम रीटा आंटी था, उसकी कड़कदार आवाज गूंजी, ए लड़की, अपना भोपू बंद कर, नहीं तो इतना मारूंगी कि मुंह से आवाज निकलनी ही बंद हो जाएगी। देखिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मेरे पति के पास जाने दीजिए। पति? तेरा पति तुझे 10 लाख में मुझे बेच कर चला गया। आज से मैं जो कहूंगी तुझे करना होगा, समझी? नहीं तो नरक क्या होता है वो तुझे यही देखने को मिल जाएगा। आज से तेरा काम है ग्राहकों को खुश करना, और वो कैसे करना है यहाँ की लड़कियाँ तुझे बता देंगी। धनिया सच में नरक में आ गई थी। यहाँ हर दिन कई सारे लोग उस असहाय लड़की के साथ जबरदस्ती करते, और वो बेचारी सब कुछ सहती। उसे कई बार वहाँ से भागने का मन हुआ, लेकिन रीटा के गुंडे हमेशा सभी लड़कियों पर अपनी नजर बनाए रखते। धनिया एक लाश बनकर रह गई थी वहाँ, जिंदा लाश। उस 4 दीवारी में उसकी चीख गूंज कर रह जाती। दुख के बादल छटने का नाम ही नहीं ले रहे थे, लेकिन एक दिन ये बादल छटे।
असल में हुआ ये कि एक दिन जब दोपहर में रीटा आंटी सो रही थी, तब वहाँ रोज की तरह सोहन चाय देने के लिए आया। उसने रीटा आंटी को सोता हुआ देखा तो वो सीधा धनिया के कमरे में चला गया और उसने धनिया को कहा, धनिया चल भाग चले यहाँ से, चल। धनिया सुनकर हैरान थी, पर फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा, आप कौन है? आप मुझे क्यों बचाना चाहते हैं? मैं सोहन चाय वाला हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था तभी से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझसे तुम्हारा दुख और कष्ट देखा नहीं जाता। मैं हमेशा से ही मौके की तलाश में था कि मैं तुम्हें यहाँ से कैसे आजाद कराऊं। पर हम यहाँ से भाग नहीं सकते क्योंकि रीटा आंटी के सभी गुंडों ने चारों तरफ से घेर रखा है। हर जाने आने वाले रास्ते पर आंटी जी के बहुत से गुंडे पहरा दे रहे हैं, हम पकड़े जाएंगे। ये लो मोबाइल। ये किसका मोबाइल है? तुम कैसे इस जगह तक मोबाइल ले आए? ये मोबाइल तो रीटा आंटी का है, वो सो रही थी, मैं चुपचाप से ये मोबाइल उठा लाया। अब तुम जल्दी से पुलिस को फोन कर दो जिससे कि वो हमारी कुछ मदद कर सके। धनिया तुरंत फोन करके पुलिस को सब कुछ बता देती है और थोड़ी ही देर में पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। कोई भी यहाँ से हिलने की कोशिश नहीं करेगा, हमने इस इलाके को चारों ओर से घेर लिया है। पुलिस रीटा आंटी और उसके गुंडों को पकड़ कर ले गई। वहाँ पर कई सारी बंधक लड़कियों को पुलिस ने छुड़वाया। धनिया अब एक नारी निकेतन में रहती है, वो वहाँ सिलाई सीख रही है। ये सीख कर वो लोगों के कपड़े सिलेगी, लेकिन अपने जीवन और किस्मत का फटा शायद वो कभी सी नहीं पाएगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।